हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। दोस्तों, मेरा नाम है अभय और अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक बात आपको बताना चाहूँगा, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसों का लेन देन नहीं होता। कोई भी एयरलाइन पैसे का मांग नहीं करती है, इसलिए फ्रॉड से बचें, जालसाजों से बचें। और इसके रिगार्डिंग या ऐसे भी आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन हो तो वीडियो कमेंट में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, दोनों की आईडी फ्लाई एयर इंडिया है, वहां मुझसे कनेक्ट होकर मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेलेबी एविएशन में जो रिसेंट वैकेंसी है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एयरपोर्ट एयरलाइन यानी कि एविएशन का हिस्सा, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। तो ध्यान से देखिएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से अप्लाई करना है। दोस्तों, आज की ये जो वैकेंसी है ये एक वॉक इन इंटरव्यू है जो कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंडक्ट कर रही है। दोस्तों, इस वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये जो कंपनी है सेलेबी, ये हायर कर रही है डिफरेंट पोस्ट और पोजीशन के लिए, जिसमें हैंडीमैन कम यूएच और जो दूसरी वैकेंसी है वो है ड्राइवर्स एंड टेक्नीशियंस के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करते हैं टेक्नीशियंस के रिगार्डिंग। तो आप आईटीआई या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए और आपकी एज 18+ और मैक्स टू मैक्स अराउंड 35-40 होनी चाहिए। आपके पास या तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 2019 के बाद का बना हुआ, या फिर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए जो कि जरूरी है। एक बात और यहां पर ऐड करने की है कि लोकल लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों, जॉब के नेचर और लोकेशन को देखते हुए ये जरूरी है कि आप लोकल लैंग्वेज समझ सकें। और सबसे खास बात, अगर आप ड्राइवर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। आईडी कार्ड्स में या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका कि बैकग्राउंड व्हाइट हो और आपका फेस 80% विजिबल हो आपके पास होना चाहिए। और यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, जॉब के नेचर को देखते हुए चाहे ड्राइवर हो या फिर हैंडीमैन हो, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, फिजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों, सैलरी इस बात का दावा करती है कि इंडस्ट्री में यानी कि उस टाइप के जितनी भी कंपनीज हैं उसमें जो आपको सैलरी मिलती है उससे बेहतर सैलरी आपको यहां पर मिलेगी। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी और ESIC की भी फैसिलिटी मिलेगी जो कि एक काफी बेहतर मेडिकल सर्विस मानी जाती है। PF की चिंता नहीं करनी है, यहां पर आपको PF का भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ गारंटेड एनुअल बोनस मिलेगा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और सबसे आखिरी में जो लगभग हर कंपनी में होता है, एनुअल इंक्रीमेंट यानी हर साल आपकी सैलरी कुछ ना कुछ बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं तो अभी जो आप देख पा रहे हैं एड्रेस, ये है वो होटल बैंगलोर में और टाइम आप देख पा रहे हैं 10:30 ऑनवर्ड्स 22 अप्रैल 2022 को ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, यहां मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा संदीप भाई को। आप देख पा रहे हैं इन्होंने मेल करके मुझे इस वैकेंसी के बारे में बताया और ये लिखते हैं कि सर, मेरी जॉब आपके वीडियो को देखकर लगी, थैंक यू वेरी मच। तो संदीप भाई, आपको भी थैंक यू। और दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर आपकी जानकारी में कोई भी जॉब होती है जो इस तरह की है तो प्लीज मुझे बता दिया करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, कौन जाने आपकी इंफॉर्मेशन से किसी का भला हो जाए। सो फ्रेंड्स, मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक। अगर चैनल आपके काम का है तो मैं यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से मेरे वीडियो के कंटेंट्स शेयर करें ताकि उन्हें भी जॉब की जानकारी मिले और उन्हें भी ये पता लगे कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।